लेकिन जब हम देखते हैं कि पीरियड का वक्त हुआ है तो वो भीगे हुए कपड़ों के साथ जामे में मौजूद होते, कमरे में मौजूद होते। ये ईमानदारी का एहसास था। इसी तरह दूसरे उतार का जिनमें मौलाना मोहम्मद रफीक सल्फी रहमतुल्लाह और हमारे उस्ताद नूरपुरी साहब हाफिज़ अब्दुस्सलाम भुटवी रहमतुल्लाह, इसी तरह बड़े उस्ताद गोंदली साहब, यानी ये वो उस्तादा थे जिन्होंने अपने अहद में, अपने ज़माने में, अपनी ज़िंदगी में अपनी ज़िम्मेदारी का एहसास किया और ज़िम्मेदारी को निभाया और फिर उसके असरात भी हमने देखे कि जो उनसे पढ़ के गए वो पुख्ताकार आलिम बने, मुदर्रिस बने, खतीब बने। और आज उनकी मस्जिद पे बैठे हैं मरजानवी साहब हाफिज़हुल्लाह, अल्लाह ताला इनको हिम्मत दे और इनसे भरपूर काम दे। बाकी आम का हमें अपने भाई की गुफ्तगू से ये मालूम हुआ कि पहले तो कभी जामिया को ये परेशानी फंड के मामलों में नहीं होती थी, लेकिन अब महसूस होता है कि कुछ शराब है। इसलिए मैं अपने भाई को ये यकीन दिलाना चाहता हूँ कि आप फिक्र न करें, इंशाअल्लाह हम आपके साथ हैं। बल्कि ये जितने आपके भाई आए हैं, इस जामिया के बेटे आए हैं, ये सब आपके साथ हैं। इंशाअल्लाह आप फिक्र मत ना हो, अल्लाह ताला भी आपके साथ है, अल्लाह ताला हामी नासर होगा और आपको फिक्र मत होने की जरूरत नहीं। आप काम करें, उसी तरह काम करें जिस तरह आपके वालिद शेख हदीस मोहम्मद अब्दुल्लाह रहमतुल्लाह किया करते थे। और ये इदारा वो है कि जिनकी बुनियादों में हमारे अकाबर, हमारे आबाजाद, उनका भी हिस्सा है, हाथ है। पहले हम पढ़ा करते थे कि जामिया की दीवारों में मुअस्सिसीन के नाम लिखे होते थे, उनमें शेख़ुल हदीस हाफिज़ मोहम्मद गोंदली, हाफिज़ अब्दुल्लाह मोहम्मद सरोपरी रहमतुल्लाह, हाफिज़ मोहम्मद इस्माइल रोपरी, हाफिज़ अब्दुल कादर रोपरी, इन सब के नाम लिखे होते थे। और मैं ये समझता हूँ कि ये इदारा पूरी जमात का इदारा है, किसी एक खानदान का नहीं। और हमारा इसके साथ ताल्लुक जो है ऐसा है जिस तरह एक खानदानी ताल्लुक होता है, बाबाजात का ताल्लुक होता है। और इंशाअल्लाह मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ ये ऐलान करता हूँ कि और अपने भाई को ये यकीन दिलाता हूँ कि हम हर तरह से आपके साथ हैं, अल्लाह के फ़ज़ल व करम से जहाँ आपको ज़रूरत हुई हम आपसे पीछे नहीं हटेंगे। और ये जितने भाई बैठे हैं इनमें से कोई भी आपसे दूर नहीं होगा, पीछे नहीं होगा, क्योंकि वादा करते हैं ना आप, यानी जहाँ तक हो सका, जिस तरह हो सका हम आपसे आम करेंगे ताकि ये जामिया उसी तरह दीन का काम करे जिस तरह
گزشتہ ادوار میں کیا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی ترقی کے لیے مدد فرمائے، اور اس کی اگر کوئی فنڈ میں کمی ہے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ وہ بھی کمی پوری کرے گا. اللہ تعالیٰ ہمارا حامی ناصر ہو. میں پھر اپنے بھائی کو یقین دلاتا ہوں، اور اسی طرح ہمارے برجانوی صاحب وہ بھی یہاں تشریف چکا ہے. تو یہ ایک ہماری یہ تمنا ہے، آرزو ہے کہ یہ ادارہ جس طرح پہلے علماء کی کھیت پیدا کرتا تھا اسی طرح یہ کام کرتا رہے، اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس میں کسی قسم کی کمی نہیں آنے دیں گے انشاءاللہ. وآخر دعوانا الحمدللہ.